सबसे पहले हम आप लोगों को थैंक्स कहना चाहेंगे कि आपने हमारी इस ऑनलाइन क्लास को चूज किया और आप लोग ज्वाइन किए। और आज ये जो हमारे जूम ऐप है, पहले हम इस जूम ऐप के बारे में बता देते हैं कि जूम ऐप जो होता है ये किस तरह से वर्क करता है। ये आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल फोन पे, आपके टैबलेट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ठीक है? किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये आपका काम करता है। और एक किसका काम क्या है कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव आपके कंप्यूटर पे टेलीकास्ट करता है। अब इस चीज को आप एक बार जान जाइए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल है तो क्लासरूम ट्रेनिंग तो पॉसिबल नहीं है। आप किसी क्लास में जाके ट्रेनिंग ले सके, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि 10 घंटे की ड्यूटी, 9 से 10 घंटे की आपका जो है ऑफिस टाइम होगा, 2 घंटे का जर्नी होगा, 12 घंटे जो है आप जो है ऑफिस के लिए रखेंगे, तो उसके बाद टाइम बचता कहाँ है लाइफ में। शुरुआत में आप एक्साइटेड रहेंगे तो 5-10 दिन जाएंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। जी सर, दूसरी चीज क्या है कि मोस्टली ट्रेनिंग सेंटर आपके ऑफिस आवर में ही खुलती है। जी सर, तो आप ऑफिस को छोड़ के ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं जा सकते। जी सर, जी सर। तो ये हमारा ट्रेनिंग मीडियम बना है ताकि आप ऑफिस के बाद या ऑफिस से पहले आप हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर जो मोस्टली ट्रेनिंग सेंटर है, जी सर, ये मोस्टली ट्रेनिंग सेंटर में आपको सिलेबस को फॉलो किया जाता है। जी सर, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपकी ट्रेनिंग आपको देते हैं, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ और आपकी रिक्वायरमेंट को समझता हूँ। आप अपने क्लास में अपने ऑफिशियल प्रॉब्लम को, ऑफिशियल फाइल को, एग्जाम्पल को लेके आ सकते हैं, हम हर एक चीज पे आपको आंसर करेंगे। जी सर, ठीक है। और इस ट्रेनिंग का बेनिफिट है कि आप सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए आप अल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो सेशन आपका रिकॉर्ड होने लगेगा, अल्ट प्लस आर। जी सर, तो रिकॉर्डिंग की रिकॉर्ड होने से रिकॉर्ड होने का फायदा ये होता है कि आप जो है हमारी सेशन को क्लास के बाद या क्लास के पहले आराम से बैठ के देख सकते हैं। अभी जैसे कि आपके पास माइक की फैसिलिटी है तो मुझसे बातचीत कर रहे हैं, बिपिन जी के पास बिपिन जी का माइक वर्क नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही, बट स्पीकर पे मेरी आवाज़ उनको जा रही है। तो इसमें चैट की भी फैसिलिटी है, अगर आपको कोई डाउट हो तो चैट से भी पूछ सकते हो। लेकिन चैट को हम रिकमेंड नहीं करते हैं, आप हेडफोन ठीक कर लीजिएगा बिपिन जी, क्योंकि हम हमेशा चैट को नहीं देख सकते ना सर, और जो आप समझाना चाहते हो चैट पे थोड़ा मुश्किल होता है। जी सर, इसलिए हम क्लासेस जो है लाइव इंटरेक्टिव होने का पर्पस यही होता है ताकि आप हमारे साथ इंटरेक्ट रहे। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, सिलेबस के डिटेल्स तो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल गया होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली आप मेरे साइट पे जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। बेसिकली मेरे पास 3 कोर्सेज है। पहला है एडवांस एक्सेल एनएमआई सपोर्ट ऑटोमेशन, जो कि एक्सेल 2016-19 पे हम सिखाते हैं, जो कि 35 से 40 घंटे का है और उसकी इंडिविजुअल फीस आपको 7500 है। इसकी अगर डिटेल चाहिए तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि इस पूरे कोर्स में क्या क्या होने वाला है, ठीक है? जी सर। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है हमारा, अगला टॉपिक आता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी सर, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आपको सिखाएंगे। अब देखिए, अगर एक्सेल में क्या है और वीवीए में क्या, इसको समझिए। एक्सेल में हम आपको बताते हैं, एडवांस एक्सेल में पहली लेवल, पहली जो हमारा कोर्स है उसमें, कि आपके जो फाइल मेनू बार से लेके आपका जो पूरा जो मेनू बार है ऑल ओवर डेवलपर तक, हर एक मेनू बार के हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करते हैं। मतलब कि एक कह सकते हैं कि आप एक्सेल की इनबिल्ड फीचर जो भी है,
जी सर इनबिल्ट फीचर को आप इसमें कवर कर सकते हैं। अब तो जब मैं एक्सेल के जितने भी इनबिल्ट फीचर जब कवर कर रहा हूं तो वीवीए की क्यों जरूरत पड़ती है? तो वीवीए माइक्रो की जरूरत पड़ती है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा काम आया आपके पास जो कि रिपीटेड नहीं, कुछ ऐसा काम आया जिसके लिए आपके एक्सेल में कोई फीचर अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ ऑटोमेशन कुछ ऑटो पायलट टाइप का आपका बनाना है कि आप ना करें वो खुद ब खुद हो जाए जी। तो ऑटोमेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीवीए मैक्रोज को। आप अपने हिसाब से अपना टूल जनरेट कर सकते हैं। तीसरा कोर्स हमारा एमएस एक्सेस डेटाबेस है। एमएस एक्सेस डेटाबेस क्यों रखते हैं इसमें? एमएस एक्सेस डेटाबेस इसलिए रखते हैं क्योंकि वीवीए में एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल की प्रैक्टिस के लिए हमें एक्सेस चाहिए कि हर किसी के पास एसक्यूएल सर्वर नहीं हो सकता सर जी, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए एक्सेस चाहिए। दूसरा कि कुछ ऐसे चीज है जो कि एक्सेस में बड़ी आसानी से आ जाता है बट एक्सेल में बहुत ज्यादा लेंदी होता है, तो उस केस में हम एक्सेस सिखाते हैं ताकि एक्सेस की सॉल्यूशन ले सके। तो तीन इंडिविजुअली कोर्स है, इसकी इंडिविजुअली फीस है। अगर आप तीनों कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपका ये आपका कंप्लीट कोर्स एमआईएस का आता है जिसमें एक्सेल एक्सेस वीवीए सब कुछ है। इसकी 100 आवर की है ड्यूरेशन और इसकी फीस आपको पड़ेगा 15,000 और इसकी डिटेल देखने के लिए भी आप डाउनलोड पीडीएफ करके दे सकते हैं। 15,000 में सर तीनों चीज आप कवर करेंगे ना? कवर करेंगे। अब इसमें बात आती है इसके बाद क्या, तो इसके बाद आप कर सकते हैं एक्सेल डैशबोर्ड, आप कर सकते हैं टैबलू, आप कर सकते हैं पावर बीआई। सर ये टैबलू क्या है? टैबलू क्या है? ये डेटा विजुलाइजेशन का पार्ट है सर। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं हम? डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया और उस पर कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा दिए तो जो भी मैं अपने रिक्वायरमेंट डालूंगा डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या होता है ना सर कि एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जी, समझे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वही डैशबोर्ड बना सकता है जो कि एक्सेल में बहुत अच्छा फैमिलियर है जी सर। तो बहुत सारी कंपनियां बीआई टूल्स पावर बीआई एंड टैबलू का इस्तेमाल करती है ताकि कोई भी इजीली क्विकली एक डैशबोर्ड बना सकता है। तो सर ये एक्सेल से ही कनेक्टेड है कि कैसे कुछ अलग है इसका? एक्सेल से डेटा ले सकते हैं, एक्सेल से कनेक्टेड नहीं है सर। तो इसका सिस्टम कुछ और है, पिवट टेबल, सिमिलर टू पिवट टेबल। अच्छा, पिवट टेबल के सिमिलर है, टेबल को ही एडवांस कर दिया गया है। ठीक है, पर इसका एक माइनस पॉइंट है कि इसकी रिपोर्ट्स खाए तो वेब वर्जन पे जाएगी, वेबसाइट पे जाएगी, या फिर इसकी रिपोर्ट क्या बोलते हैं पीडीएफ में आएगी या फिर एक्सेल में नहीं, एक्सेल में नहीं आएगी, बगल में नहीं आएगा सर। तो ये ऑनलाइन मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर लाइव अपने जो डाटा शेयर करने के लिए होता होगा ज्यादातर तो। हाँ हाँ, तो कंपनी जो चलन है यूज कर रहे हैं लेकिन एक्सेल डैशबोर्ड तो यूज होगा ही होगा क्योंकि रिपोर्ट शेयरिंग के लिए तो हम एक्सेल डैशबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जी जी, जी। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स सिलेबस है और इसमें बेनिफिट्स क्या मिलता है ये जान लीजिए। इसकी बेनिफिट्स आपको ये मिलती है कि सबसे पहले तो हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मिलेगी जी सर। दूसरी है कि जितने भी क्लासेज आप लेंगे जी उसकी रिकॉर्डिंग से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं इन फ्यूचर में। अगर मान लीजिए कि 6 महीने सालों बाद आपको लगा कि आप बहुत चीजें भूल गए जी सर, तो आप जो है दोबारा से हमारा रीज्वाइन कर सकते हैं। हमने रीज्वाइन फ्री दे रखा है, आप देखेंगे साइट पे तो हर साइट पे मैंने इस चीज को लिख रखा है रीज्वाइनिंग फ्री। रीज्वाइनिंग फ्री मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी मेरे किसी भी रनिंग बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ देखिए फ्री रियान क्लास वीडियो नोट्स पीडीएफ बुक्स आर्टिकल्स एंड फ्री रीज्वाइनिंग जी सर, ये हम यहाँ पे ऑफर करते हैं। ठीक है सर, क्लियर है जी सर। जी सर, तो अब ये हो गया हमारा कोर्स के बारे में, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया राइट। कोई डाउट है कोर्स वगैरह से? नहीं सर, एक्सेल तो ठीक है, बढ़िया है, आपकी दुआ से सर, आपकी ही वीडियो से सीखा था मैंने, एक घंटे की वीडियो जो आपने डाली थी मैंने सब कुछ उसी से सीखा है तो और उसमें बेस आपने क्लियर किया था, तो आज के टाइम में आपकी दुआ है सर कि एक्सेल में एडवांस एक्सेल के डीप में जाके मैं माय सपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बना लेता हूँ। थोड़ा सा भी जो प्रचलन चला है मुझे वो वीबीए के बारे में सुना है, वीबीए और एक्सेस के बारे में,
तो इसकी पावर अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे, तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं BBA और एक्सेस सीखूँ। ठीक है, आप वीवी और एक्सेल को सीख सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वीवी सीखने के लिए आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज चाहिए। आप क्यों क्यों चाहिए, हम आपको चलिए एक एग्जांपल देते हैं। देखिए जी क्या है कि आपने जो एक्सेल सीखा वो यूट्यूब से वीडियो देख के सीखा या फिर काम करते करते सीखे, आप सिस्टमेटिक नहीं सीखा, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेल के हर एक पार्ट को मैं जानता हूँ या जान सकता हूँ। नहीं नहीं सर, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना रिक्वायर उतना आपने सीखा। अब जैसे जी। मान लीजिए कि आपका ये डेटा है, अब मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। जी ठीक है, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, शिफ्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एंटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरली कंट्रोल ए ही करते हैं ना। सर नहीं, मैं शिफ्ट से करता हूँ सर, शिफ्ट और कंट्रोल से फास्ट हाँ वो भी करते हैं, हो जाता है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, सपोज दैट। तो जी। आप वीवीए प्रोग्रामिंग में मैं ए तो नहीं लिख सकता ना, प्रेस कंट्रोल ए, जैसे अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो हमें लिखना होता है सिलेक्शन डॉट कॉपी, जी अगर पेस्ट करना होता है सिलेक्शन डॉट एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, पेस्ट सिलेक्शन जी डॉट पेस्ट स्टेशन, उसी जी तरह से इसका क्या होगा, पता है आपको कंट्रोल ए का जो फीचर है वो क्या होता है? नहीं सर, मुझे BBA का कुछ भी नहीं पता मुझे ना। नहीं, वीवीए की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कंट्रोल ए जो आप करते हो एक किस फीचर को रिकमेंड करता है, जैसे कंट्रोल सी किया तो कॉपी हो करता है, जी ये सर सिलेक्ट ऑल को करता है सर, सिलेक्ट ऑल को, तो जो वही तो चीजें बोल रहा वहां हूँ पर पड़े। सिलेक्ट ऑल है, तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन कहाँ है मेनू बार में? मेन्यू बार में सिलेक्ट ऑल का तो नहीं है सर यहाँ पर। है क्यों नहीं, आप ये तो आपको पता नहीं है, यहाँ ये फाइनेंस सिलेक्ट, जी इसमें गो टू स्पेशल, जी सर, ये आपका करंट रीजन। करंट रीजन सर ठीक है, याद आ गया, आपकी वीडियो में मैंने सीखा था कि जो एक्टिव सेल है उसको सिलेक्ट कर लेगा ये। नहीं, करंट रीजन क्या करेगा, कंट्रोल ए कर देगा सिलेक्ट ऑल, जी समझ जी 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 गया ना? तो जो डाटा है कहने इसके का अंदर मतलब, उसको हाँ सिलेक्ट तो ये करता बोल है रहा हूँ कि अगर आपको पता रहेगा तभी तो वीवीए प्रोग्राम करेंगे आप, इसलिए जी सर। आपको मोस्टली चीजें पता होनी चाहिए तभी आप वीवीए सीख पाएंगे, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा आप अपने आप को रिव्यू कर लीजिएगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। सर वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि पता लगेगा नहीं, कि कब क्या चीज़ रिक्वायरमेंट के छोड़िए ना, आप फाइल मेनू बार से स्टार्ट कीजिए और डेवलपर तक चलाइए, जो फीचर्स है देखिए कि क्या आता है क्या नहीं आता है आपको, होम मेनू बार में क्या आता है यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक आइए क्या आता है क्या नहीं आता है, इंसर्ट में यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक आइए कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। जी। क्या जी सर, जी सर समझाया। और जरूरी नहीं है कि इतना ही ऑप्शन है, इसके अलावा ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप देखेंगे एक्सेल ऑप्शन में, यहाँ जी कस्टमाइज रिबन और इसमें नॉट नॉट कमांड इन द रिबन, दिख रहा है आपको सर? जी सर अब ये सारे फीचर है जो कि बाहर रिबन में शो नहीं किए गए हैं, जी ये चीजें भी देखना है। जी सर तो जो चीजें आपको इसमें, अगर मान लीजिए कि 40% या 50% भी आपको आता है कि कोई एलिजिबल जी फॉर सर ज्वाइनिंग बीवीए, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सोचना होगा, आप कहोगे तो मैं सिखा दूंगा लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर आपको, जी सर या फिर आपकी अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो वैसा नहीं है, बट काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था मैंने, प्रोग्राम छोड़े हुए मेरे को जैसे मैंने टाइम हो गया आपको थोड़ा सजेस्ट सा। कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं जैसे कि डेमो क्लास में बच्चे बोलते हैं कुछ पढ़ाई है, तो मैं बोलता हूँ मैं पहले दिन आपको क्या पढ़ाऊँ, बेसिक पढ़ा नहीं सकता, एडवांस पढ़ाऊंगा तो समझ में आ नहीं पाएगा आपको, इसलिए हम जी स्टूडेंट को बोलते हैं कि हम यूट्यूब के ऊपर, आप मेरी वेबसाइट जब खोलते हैं तो पॉपअप आता है, जी तो ये पॉपअप में यहाँ पे देखिए वॉच द वीडियो इन यूट्यूब, या फिर मेरे यूट्यूब पे जा यूट्यूब सर्च जाके आईपीटी इंडिया सर्च करेंगे यहाँ पे तो मेरा जी चैनल आ सर जाएगा, जी सर तो जी तकरीबन इसमें 2000 से ऊपर वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं, इसमें जी सर आप वीडियोज पे जाएंगे तो 2000 से ऊपर वीडियोज हैं, आप जाइए इसमें से मेरे 10 20 50 वीडियो को एनालाइज कीजिए, वीडियो में डले हुए कमेंट को एनालाइज कीजिए, देखिए किसी ने नेगेटिव कमेंट तो नहीं किया है मेरे बारे में। नहीं सर, आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ तो सर नेगेटिव
मुझे दूसरों का नहीं, मुझे अपना पता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे ना। ओके, तो आप अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास जो बैच है वो इवनिंग